अगर देखना है मेरी उड़ान को थोड़ा और ऊंचा कर दो इस आसमान को। ये अंदाज है इंडियन जैवलिन चैंपियन नीरज चोपड़ा का। हरियाणा के एक छोटे से गांव खंदरा के किसान सतीश कुमार और सरोज देवी के घर 24 दिसंबर 1997 को नीरज का जन्म हुआ। नीरज खाने पीने की वजह से शुरू से ही बहुत हेल्दी था, मोटा था वो। उसके शरीर को डालने के लिए ही जिम ज्वाइन करवाई। फिर पानीपत स्पोर्ट्स स्टेडियम का ये जिम ही वो जगह थी जहां नीरज ने पहली बार जैवलिन देखा, छुआ और उसे अपने हाथों से अपने बेहतर भविष्य की तरफ उछाल दिया। पहली बार जैवलिन फेंका और जैसे ट्रेनिंग शुरू की उन्हें मन में ऐसे बैठा लिया था कि हाँ मुझे स्पोर्ट्स करना है। हमने उसे जैवलिन थ्रो करवा के देखा तो उसके अंदर हमें महसूस हुआ कि इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है। लेकिन नीरज को निपुण बनने के लिए जिन सुविधाओं की जरूरत थी वो उनके पास नहीं थी। ऐसे समय में इंडियन आर्मी नीरज के लिए संकट मोचन बनकर आई। मैंने 2016 में आर्मी ज्वाइन की थी और उसके बाद से मतलब मेरा फोकस तो स्पोर्ट्स पे है पूरा। अच्छी नौकरी और बेहतर ट्रेनिंग मिलने से नीरज की इंटरनेशनल लेवल का एथलीट बनने की उम्मीद फिर से जी उठी। लेकिन एक बार फिर से उनकी मंजिल उनसे दूर हो गई जब अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेलते वक्त उनकी कलाई टूट गई। उसकी इंजरी की वजह से 4-5 महीने तक मैं जैवलिन से दूर रहा। अपनी चोट से उबरने के बाद 2016 के साउथ एशियन गेम्स में नीरज ने अपने जैवलिन से 82.23 मीटर की दूरी नापते हुए अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। 2016 IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में नीरज ने जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए अपना दूसरा गोल्ड जीता। ₹2017 की एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप अपने नाम करने के बाद नीरज 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में डेब्यू करते हुए 86.47 मीटर के साथ जैवलिन थ्रो में कॉमनवेल्थ गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए और जकार्ता में एशियन गेम्स के मंच पर 88.06 मीटर के साथ अपना ही कीर्तिमान सुधारते हुए गोल्ड हासिल किया। इस जबरदस्त फॉर्म के चलते नीरज और उनके कोच को पूरा विश्वास था कि वो जल्द ही ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन फिर एक बार उनकी दाईं कोहनी में चोट आने से भारत का ये ख्वाब धुंधला नजर आने लगा। नीरज ने इस बार अपनी चोट से उबरने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया और उसी साल साउथ अफ्रीका में एथलेटिक्स सेंट्रल नॉर्थ ईस्ट मीट के दौरान 87.86 मीटर का थ्रो लगाते हुए टोक्यो ओलंपिक्स के क्वालिफाइंग राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली। ओलंपिक के लिए आशा अच्छी करके जाएंगे कि वहाँ पे अच्छा मेडल जीतें। टॉप स्कीम जो बनाई है, जो बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल की जो सुविधाएं हमको धीरे धीरे करके मिल रही है। Clean hitting of the javelin. We have the storms, angle of attack, angle of release, angle of yaw. So it must be fly like a rocket. पानीपत के पास के एक छोटे से गांव से उठकर पूरी दुनिया पर छाने वाले अर्जुन पुरस्कार विजेता नीरज चोपड़ा बन चुके हैं 130 करोड़ भारतीयों की ओलंपिक्स की आशा।